नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने योग विद्या चैनल के अंदर। दोस्तों, आमतौर पर ये देखने को मिला है कि आपके कंधों में जकड़न ऐसा प्रतीत होता है कि आपका जो जैसे कि शोल्डर का जो अलाइनमेंट है पीछे की तरफ नहीं जाता। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये कहता है कि आपके शोल्डर के अंदर फ्रीजन शोल्डर एक ऐसी, मतलब कि डॉक्टर लाइन के अंदर एक ऐसा वर्ड होता है फ्रीजन शोल्डर, जिसे आप समझ कर ये समझते हो कि भी आपकी शोल्डर का जमावड़ा हो गया है, मतलब कि फ्रीज हो चुका है, आगे पीछे मोमेंट नहीं होता, जिसे डॉक्टर अपनी भाषा में फ्रीजन शोल्डर कहते हैं। तो आपके सामने दो एक्सरसाइज जिसके द्वारा आप इसको इजिली रिलैक्स कर सकते हैं, इजिली इसको मतलब कि रोग को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले क्लिपिंग जो आपको मैं पहले करके दिखा रहा था, 1 2 3 4 5 6, जब भी आपको समय मिले इस प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं। जिसकी ज़्यादा समस्या है, जब आप मान के चलिए जिसकी फ्रीजन शोल्डर नहीं है ना, वो पूरा अच्छे से क्लिपिंग कर सकते हैं इस प्रकार से पीछे की तरफ और आगे की तरफ, और जिसके फ्रीजन शोल्डर हैं वो इस प्रकार से करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से आगे क्लिपिंग होगी, पीछे से क्लिपिंग नहीं होगी। ठीक है, तो कोशिश करें इस प्रकार से 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबर दो एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, हाथ में रस्सी को पकड़ना है। जब हाथ में रस्सी आ गई तो उसको पूरा रोटेशन करना है 1 2 3 4 5 6, और जब आपका धीरे धीरे अभ्यास पूरा शुरू होने लग जाए तो इस रस्सी को क्या करना, पूरा पीछे की तरफ लेके जाना 1 2 3 4। दोस्तों आपको ये बताना है, आपको इन एक्सरसाइज के द्वारा आपको रिलैक्स मिला या नहीं मिला। नंबर दो, हमारे द्वारा बताई गई सिंपल योगिक क्रियाएं जो आपके लिए लाभदायक है या नहीं है, और इन क्रियाओं के द्वारा आपको कुछ रिलीफ हुआ शरीर के अंदर या नहीं हुआ, कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आगे भी इस तरह से वीडियो देखते रहें। धन्यवाद आप सभी का, हरिओम।